द मनी डिमांड फंक्शन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द मनी डिमांड डियर स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने मनी डिमांड फंक्शन डिस्कस किया और जो भी इम्पॉर्टेंट उसके डिटर्मिनेट्स थे प्राइस लेवल रियल इनकम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट हमने इन इनको डिस्कस किया था कि इनका क्या रिलेशनशिप है मनी डिमांड के साथ तो आज हम कुछ और फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो मनी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं इसमें से आज जो हम पहला डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे वो है वेल्थ इनकम को तो हमने शामिल किया था और उसमें डिस्कस किया था कि इनकम के इंक्रीज होने से हमने देखा कि मनी डिमांड इंक्रीज हो जाती है और जो उसका रिलेशनशिप था वो हमने डिस्कस किया था लेकिन वेल्थ के इंक्रीज़ होने से भी मनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी आप इनकम और वेल्थ का डिफरेंस तो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट मॉड्यूल में किसी में ठीक है तो वेल्थ जब बढ़ेगी तो आप जाहिर दो लोग हैं और दोनों की इनकम एक जैसी है अगर लेकिन अगर उनकी वेल्थ डिफरेंट है तो जो ज़्यादा वेल्थी होगा वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करेगा ज़्यादा खर्च करेगा ज़्यादा मनी डिमांड करेगा ओके सो वेल्थ के इंक्रीज़ होने से मनी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी ओबियसली राइज इन वेल्थ में इंक्रीज मनी डिमांड बट नाट बाई मच हम अगर ये अज्यूम करें कि जी उसकी इनकम कांस्टेंट है और उसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कांस्टेंट हैं तो तो वेल्थ के इंक्रीज होने से मनी डिमांड बढ़ेगी बट नॉट सो मच सेकंड जो फैक्टर हम आज बात करेंगे वो है रिस्क के रिस्क के चेंज होने से कैसे मनी डिमांड चेंज हो जाएगा रिस्क अब दो तरह के से है इनक्रीज रिस्कीनेस इन इकोनॉमी में इंक्रीज मनी डिमांड अगर इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आ जाती है ठीक है किसी भी वजह से और उसमें रिस्कीनेस में इजाफा हो जाता है तो फिर लोग मनी डिमांड में इजाफ़ा कर देंगे ओके मनी डिमेंड मनी को जब एज एन एसेट कोई भी इंडिविजुअल होल्ड करता है तो इसमें आमतौर पर रिस्क नहीं होता नॉर्मली इसमें रिस्क नहीं होता ठीक है मनी के बदले में अगर आप आ, किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो वो वो एज़ कम्पेयर टू मनी वो रिस्की एसेट है ठीक है शेयर्स की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन और उसकी डिविडेंड वो रिस्की चीज़ें हैं मनी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली शेयर्स वो रिस्की नहीं हैं लेकिन बाद ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होगी या इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया इरेटिक हो गया अनप्रिडिक्टेबल हो गया तो उसमें फिर मनी होल्डिंग भी आपके रिस्की हो जाएगी ठीक है जब इन्फ्लेशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाए किसी भी वजह से तो उसके नतीजे में मनी को होल्ड करना भी रिस्की हो जाएगा तो जब भी रिस्क में अगर इस रिस्क में इजाफा हो जाएगा तो दाहरा फिर क्या होगा कि लोग मनी डिमांड को कम कर देंगे लेकिन अगर उसके जो अल्टरनेटिव्स हैं आपकी एसेट्स के ठीक है अगर उनमें इजाफा उनके रिस्क में अगर इजाफा हो जाता है ठीक है स्टॉक की जैसे मैंने बात की या कोई और जो बाकी अल्टरनेटिव्स हैं उनके रिस्क में इजाफा हो जाता है तो फिर क्या होगा उस रिस्क में इजाफे की वजह से मनी डिमांड में इजाफा हो जाएगा लोग मनी रिलेटिवली विल बी अ सेफर एसेट तो पीपल स्विच कर जाएंगे फिर रिस्की से टू सेफर एसेट। नेक्स्ट जिस पर हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट वो है लिक्विडिटी ऑफ अल्टरनेटिव एसेट्स मनी तो हम जानते हैं कि मोस्ट लिक्विड एसेट है बाकी जो एसेट्स हैं ठीक है थीके? वो मनी की नस्बत लेस लिक्विड हैं लेकिन अगर किसी सिस्टम में इम्प्रूमेंट की वजह से जैसे लिखा है डी रेगुलेशन कॉम्पिटिशन इन्ोवेशनस की वजह से अगर दीगर जो एसेट्स हैं उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी यानी स्टॉक्स की हम बात शेयर्स की बात कर लेते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट का सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और लोग बहुत आसानी के साथ शेयर्स को और बहुत कम उसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो शेयर्स को सेल कर सकते हैं और कैश हासिल कर सकते हैं तो इसके नतीजे में क्या होगा फिर मनी डिमांड ज़ाहर है कम हो जाएगी कि लोग तो एक्चुअली लिक्विडिटी की वजह से वो मनी को डिमांड कर रहे थे ना और अपने बाकी जो रिटर्न्स थे उनको वो फोर कर रहे थे तो अगर बाकी एसेट्स की लिक्विडिटी में इजाफ़ा हो जाता है तो उसके नतीजे में मनी डिमांड कम हो जाएगी और इसी तरह वक्त के साथ साथ आप देखते हैं पेमेंट की टेक्नोलॉजीज़ इम्प्रूव होती जा रही हैं बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी इम्प्रूमेंट्स हो रही हैं ठीक है ऑनलाइन बहुत सारी ट्रांज़ेक्शन और बहुत सारे काम हो रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स ए और ये ये सारी चीज़ें भी जब होती हैं तो इसके नतीजे में भी आपको फिर मनी रखने की ज़रूरत अपने पास कैश रखने की ज़रूरत कम हो जाएगी जब आपको पता है कि मेरे पास ए कार्ड है और हर जगह पर ए मशीन मुझे मिल जाएगी बहुत आसानी के साथ तो फिर अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं होगी मैं उसे इंतज़ार करूँगा कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं उसी वक्त जाकर ए से पैसे निकलवा लूँगा तो इस इस सारी इम्प्रूवमेंट के नतीजे में भी मनी डिमांड कम हो जाएगी अब तक हमने जिन फैक्टर्स को डिटर्मिनेट्स को डिस्कस किया उनको इस अब हम समराइज़ करते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल पहला हमने प्राइस लेवल पर की बात की थी सो एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल उसके नतीजे में मनी डिमांड भी इंक्रीज़ करेगा हम डिस्कस कर चुके हैं और प्रपोर्शनली इंक्रीज़ करेगा यानी जिस रेशो से प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है उसी रेशो से मनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा सो रीज़न आर डबलिंग ऑफ द प्राइस लेवल डबल्स द नंबर ऑफ डॉलर नीडिड फॉर ट्रांजेक्शन कि वो चीज़ें जो आपने पहले सौ रुपए से ख़रीदनी थी अब वो प्राइसिज डबल होने की वजह से दो सौ रुपये उसके लिए चाहिए तो आपकी तैयार है मनी डिमांड हंड्रेड से इंक्रीज होके टू हंड्रेड डबल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इनकम का रिलेशनशिप आपने देखा रियल इनकम जब बढ़ती है तो लोग अब उन्होंने ज़्यादा खर्च करना है ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करनी है तो उसके लिए दे विल नीड मोर मनी सो राइज इन रियल इनकम जो होगा दिस विल राइज़ योर मनी डिमांड लेकिन वो कीमत के साथ उसका प्रपोशनल था कि कीमतें डबल होने से मनी डिमांड डबल हो जाती है लेकिन इनकम के साथ उसका प्रपोशनल नहीं है जिस रेशो से इनकम बढ़ती है मनी डिमांड उससे नस्बता कम बढ़ती है ओके okay. नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट पर रियल इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा ये कौन से वाला इंटरेस्ट रेट है इंटरेस्ट रेट जो है ये वो वाला है जो आपके बाकी नॉन मानट्री एसेट्स हैं उन पर अगर रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा तो आप क्या होगा फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट मनी होल्ड करने की बढ़ जाएगी तो लोग फिर मनी कम होल्ड करेंगे और अपने वेल्थ को अपने उसको शिफ्ट कर देंगे दूसरे एसेट्स पर तो मनी डिमांड कम हो जाएगी इसी तरह अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन होगा फ्यूचर में कीमतें बढ़ जाएंगी तो इससे फिर क्या होगा ज़ाहिर है फिर आप अगर मनी को होल्ड कर रहे हैं तो फिर मनी की तो इन्फ्लेशन होने की वजह से उसकी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी ना सो फिर आप शिफ्ट कर देंगे किसी सेफ एसेट्स पर लोग गोल्ड पर शिफ्ट हो जाते हैं या और चीज़ों पर रियल एस्टेट पर या और चीज़ों पर शिफ्ट हो जाते हैं मनी डिमांड उसके नतीजे में कम हो जाएगी

बाकी एसेट से शिफ्ट हो जाएंगे मनी लेकिन अगर किसी वजह से मनी को रखने पर रिस्क बढ़ जाता है ठीक है जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेशन इरेटिक्सा हो जाए अनप्रिडिक्टेबल हो जाए और बाकी हालात कुछ इस तरह के हो जाएँ तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा मनी डिमांड कम हो जाएगी लिक्विडिटी ऑफ अल्टरनेटिव एसेट्स अगर इसमें इजाफ़ा हो जाता है यानी स्टॉक्स मोर लिक्विड हो जाते हैं बॉन्ड्स मोर लिक्विड हो जाते हैं ठीक है थीके? आपका हाउस है वो आप उसको बैंक में मार्केट करके आप उससे आसानी से कर्ज़ पैसे ले सकते हैं तो बाकी एसेट्स की लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तो उसके नतीजे में फिर आपको मनी की ज़रूरत कम होगी तो मनी डिमांड विल फॉल एफिशिएंसी ऑफ पेमेंट्स की हमने बात की कि टेक्नोलॉजी बैंकिंग सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही है जिसकी नतीजे में जो टेक्नोलॉजी जो आपकी पेमेंट्स हैं वो बहुत आसानी के साथ उसमें जिदत आ रही है की जा सकती हैं ऑनलाइन और क्रेडिट कार्ड एंड सो ऑन सो इन सारी चीज़ों के नतीजे में भी मनी डिमांड कम हो जाएगी सो so, ये अब तक हमने कुछ जो फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स मनी डिमांड के डिस्कस किए थे उनको अब हमने इस टेबल में समराइज किया है कि वो किस तरह से मनी डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे थैंक यू